क्या थम चुकी है दिल्ली, ठहर चुकी है दिल्ली? कुछ ऐसे ही सवाल दिल्ली वालों के मन में इस समय गूंज रहे हैं। मौजूदगी हमारी आईटीओ मार्ग पर है और ये ठीक आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं वो ईस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली को जोड़ने वाला मार्ग है, जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आदेश के बाद अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है वाहनों के लिए। साफ तौर पर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला यह समय है, लेकिन जो लोग यहां से गुजरते होंगे वो कैसे गुजरते होंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। मेट्रो का सहारा लिया जा रहा है, इसके अलावा गाजियाबाद निजामुद्दीन मार्ग को भी अपनाने के लिए सलाह दी गई है। कुछ स्थानीय लोग जुड़े हैं, हम उनसे बात करने का यहां पर प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? रवि आनंद। और रवि जी क्या कहेंगे, क्या ऐसे हालात कभी आप लोगों ने देखे थे? मैंने सुना 1978 में ऐसे हालात थे, मेरी उम्र 50 साल है, मैंने तो खैर वो नहीं देखा होगा, लेकिन इस समय जो हालात है बताते हैं उससे बदतर हालात है। एडवांस टेक्नोलॉजी, सब चीज़ एडवांस मशीनें, सब चीज़ें होने के बाद ये हालात हैं। इसका जिम्मेदार सरकार है और कोई नहीं है इसको जिम्मेदार। आपको लगता है कि कुछ और भी तैयारी करनी चाहिए थी? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आगे और परेशानी हो सकती है, आगे और परेशानी, बिल्कुल। ऐसे समय के अंदर हमारा देश तरक्की पर चल रहा है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो बिल्कुल है, एक मिनट के अंदर पानी साफ होना चाहिए यहाँ से, तो पानी सड़क के ऊपर, ये स्थिति सही नहीं। पूर्वी दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली को जोड़ने वाला यह जो प्रमुख मार्ग है इंडिया गेट की तरफ, राजीव चौक की तरफ जाने वाला, लेकिन सवाल यह है कि अगले आदेश तक के लिए यहां पर वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। एक सवाल और है कि अब और भी चीज़ें प्रभावित हुई हैं, आम जनजीवन की बात कर ली जाए, व्यापार की भी बात कर ली जाए, क्या लगता है कैसे सब कुछ संभलेगा? अभी नहीं लगता कि इतनी जल्दी कुछ संभल पाएगा, तैयारी कुछ है नहीं, अभी कहीं कोई तैयारी नहीं है किसी प्रकार की। ये तो पहले से इनको करना था, पता है कि मौसम विभाग ने बता दिया था कि इस बार बारिश भी जोर से होगी और अभी और भी संभावना है, तो इनको पहले से ही करना था, इंतजाम करने थे। इंतजाम नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, ये मेन जगह पर जहाँ सारे दिल्ली पुलिस मुख्यालय है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है हमारा, वहाँ होने के बाद ये सेंटर में ये होना, ये दुर्भाग्य की बात है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से यहाँ पर वाहनों के आवागमन पर रोक है अगले आदेश तक के लिए, है पैदल यात्री यहाँ पर जा रहे हैं, इसके अलावा मेट्रो का भी सहारा लिया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि स्थिति कब तक सामान्य होती है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।